अपनी हैप्पीनेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अर्निंग एंड आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग एनीथिंग, इनफैक्ट आई एम लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट. तो इन एनी सेंस यू कैन नॉट कॉल इट प्रॉस्परस टिल द टाइम, एंड दैट इज द थिंग, टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी एज अ मटेरियल और फिजिकल थिंग. एक्चुअली पता है क्या, और ये चीज समझना बहुत जरूरी, प्रॉस्पेरिटी इज ए स्टेट ऑफ माइंड. एंड वो स्टेट ऑफ माइंड आपको पता है क्या बताता है, वो स्टेट ऑफ माइंड आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आई हैव मोर देन व्हाट आई रिक्वायर. इफ यू हैव मोर देन व्हाट यू रिक्वायर, यू विल ऑलवेज लिव इन अ प्रॉस्परस वे. ऑन द अदर हैंड, जैसे कि सपोज माई एनुअल इनकम इज 10 लैक्स पर एनम एंड माई फ्रेंड्स एनुअल इनकम इज 15 लैक्स पर एनम, तो 15 लैक्स पर एनम वाला अगर ये सोचता है कि मेरे पास फोर्ड मुस्टैंग क्यों नहीं है, या मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अर्निंग 1.5 टाइम्स मोर, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉस्परस, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल और मटेरियल थिंग्स, जो गलती हम यूजुअली करते हैं. यू मेनी ऑफ यू हैव सीन मी दिस यूनिवर्सिटी एंड आई लुक अ वेरी हैप्पी गाय, मतलब विच आई एम फॉर दैट मैटर, ठीक है ना. उसके पीछे रीजन एक ही है, दैट आई थिंक दैट आई हैव मोर देन व्हाट आई रिक्वायर. जब तक जब आपको ये लगता है कि ओके यू हैव मोर देन व्हाट यू रिक्वायर, तो आप प्रॉस्परस रहेंगे, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको 2-3 महीने की सैलरी नहीं मिली या जॉब चली गई. ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास अभी है ना, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, तो इट्स फाइन. लेकिन अगर आप कमा भी रहे हो, आई गॉट द इंक्रीमेंट, आई गॉट मनी, आई गॉट दिस, आई गॉट दैट, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई कैन स्टिल आई कैन नॉट अफोर्ड अ फोर्ड मुस्टैंग, जैसे मैंने बोला, है ना, मैंने होंडा सिटी ले ली पर उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, ठीक है, या खुश नहीं हो रहा हूँ क्योंकि अड़ोस पड़ोस में उससे बेटर गाड़ी है, या उसके उससे बेटर फ्लैट में लोग रहते हैं, या उससे बेटर वार्डरोब है किसी के पास, है ना, बेटर ब्रांड्स पहन रहा है. आई एम स्टिल अफोर्डिंग लीवाइज बट पीपल हैव मूव टू डीके एनवाई और कैल्विन क्लाइन, तो वहां पे जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. गलत ये नहीं है कि आई वॉन्ट अ फोर्ड मुस्टैंग, गलत ये होता है दैट आई कैन नॉट अफोर्ड अ फोर्ड मुस्टैंग एंड आई वॉन्ट अ फोर्ड मुस्टैंग, दैट इज द थिंग. मतलब कि व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि सपोज आपके एस्पिरेशंस हैं 25 लैक्स पर एनम वाली लाइफ जीने के और आप कमाते हो 15 लैक्स पर एनम, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ट्रूली स्पीकिंग जो 25 लैक्स पर एनम सैलरी वाले लोग हैं वो भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, उनको भी तो प्रॉब्लम्स है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं. और 5 लैक्स पर एनम वाले भी बड़े खुश रहते हो. इट डिपेंड्स हाउ यू सी थिंग्स, हाउ एंड वॉट यू एस्पायर फॉर. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट करना, मतलब इसमें कोई नहीं है कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर बेटरमेंट, लेकिन आपको ये बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा दैट यू शुड नॉट मेक योर सेल्फ अनहैप्पी प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ कि आई रिक्वायर दीज थिंग्स एंड आई एम नॉट हैविंग. If you are requiring those things, work for it in that fashion, है ना? If I want a fast car, if I want a big villa, if I want a say European holiday and so on, तो आप उस तरीके से काम करो.